अउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो है मैं आप लोगों के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। टेक्स्ट रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, प्रीफेस टू शेक्सपियर की टेक्स्ट है। और जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे वो भी छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट भी छोड़ दीजिए और उससे नेक्स्ट भी छोड़ दीजिए और फोर्थ पैराग्राफ पर आ जाएगी। उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है या लाइन नंबर जो है ऑलमोस्ट 370 जो है उसके इक्वल जो लाइन्स आ रही हैं, ये वो वाला पैराग्राफ है। इट्स अ शॉर्ट पैराग्राफ। स्टार्ट किस तरह से हो रहा है? शेक्सपियर विद हिज एक्सीलेंसीज हैज लाइकवाइज फॉल्ट्स एंड फॉल्ट्स सफिशिएंट टू ऑब्स्क्योर एंड ओवरवेल्म एनी अदर मेरिट। अब यहाँ पे वो कहता है कि शेक्सपियर की जहाँ एक्सीलेंसीज हैं तो वहाँ उसके फॉल्ट्स भी हैं, और फॉल्ट्स ऐसे हैं, वो कहता है कि जो कि तमाम मेरिट्स को ऑब्स्क्योर का मतलब होता है डिम कर देना, धुंधला कर देना, उसके तमाम मेरिट को, उसकी क्वालिटीज़ को धुंधला करने के लिए काफ़ी हैं, उसको ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। I shall share them in the proportion in which they appear to me without envious malignity or superstitious veneration. वो कहता है ना तो मैं फालतू उसे फेवर दूंगा, उसे रिस्पेक्ट दूंगा जो कि ज़रूरत से ज़्यादा, ना मैं उसके लिए कोई इल विल रखता हूँ। जो मुझे अपीयर होता हूँ, जिस तरह से मेरे सामने आते हैं उसके फॉल्ट्स, जेलसीज़ की वजह से मैं उसको ख़त्म नहीं करूँगा। जो उसके फॉल्ट्स जैसे हैं, यानी कि मैं एक इंडिफरेंट होकर बात बयान कर रहा हूँ, मैं जानबदारी नहीं कर रहा हूँ, इम्पार्शियल हूँ, पार्शियल नहीं हूँ। पार्शियल का मतलब होता है जानबदार, कि आप किसी की फेवर करते हुए या किसी को जो है वो साइड पे रखते हुए आप जो है ना डिसाइड करें चीज़ों को, मगर इस तरह से नहीं है। वो कहता है कि मैं गैर जानबदारी से जो है फैसला करूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। हिज फर्स्ट डिफेक्ट इज दैट टू विच मे बी इम्प्यूटेड मोस्ट ऑफ द ईविल इन बुक्स और इन मैन। तो कहता है पहला डिफेक्ट जो है उसका वो क्या है कि उसके साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं आप जो कि ईवल है उसकी बुक्स में या मैन जो उसके लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं जो उसने पोर्ट्रे किए हैं, उसमें एक ईवल जो क्वालिटी है। तो वो आगे उसको बयान करेगा कि क्या ही सेक्रीफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस एंड इज सो मच मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट दैट ही सीम्स टू राइट विदाउट एनी मॉरल पर्पस। अब यहाँ पे क्या होता था कि जितने भी लिटरेचर होते थे उसमें एक पोएटिक जस्टिस दिखाया जाता था कि इफ यू डू बैड समथिंग बैड विल हैपन टू यू। तो कहता है कि यहाँ पे वो पोएटिक जस्टिस उस तरह से नहीं दिखा रहा है। तो कहता है कि ये फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट वो इस चीज को जो है खराब कर देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या उसने बात की है कि ही सेक्रीफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस, कन्वीनियंस आसानी की खातिर वो वर्च्यू को सेक्रीफाइस कर देता है। किस तरह से सेक्रीफाइस करता है? एंड इज सो मच मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट, कि इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहता है, यानी कि लोगों को इंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहा है, उनको पोएटिक जस्टिस नहीं दिखा रहा है ताकि लोग जो है वो अच्छाई की तरफ आए। तो आर्ट का जो काम था कि लोगों को एक अच्छा आदमी बनाए, लिटरेचर या आर्ट या ड्रामा जो भी है, तो वो कहता है कि उसके ड्रामाज जो है वो अच्छा आदमी नहीं बनना सिखाते हैं। दैट ही सीम्स टू राइट विदाउट एनी मॉरल पर्पस, कि वो किसी भी मॉरल पर्पस को जहन में रखते हुए नहीं लिखता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मॉरल पर्पस जो होता है वो पुराने ज़माने में यही होता था कि गुड आर रिवॉर्डेड एंड बैड आर पनिश्ड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हैमलेट जो आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो हैमलेट किंग था, चाहे वो जितना भी अच्छा दिखाया था उसको मे बी, मगर यह है कि उसको रिवॉर्ड नहीं मिला, ही इज़ किल्ड बाय हिज ब्रदर। या डंकन, उससे भी ज़्यादा आप देख लें मैकबेथ के अंदर डंकन जो है तो बहुत ही जो है वो एक काइंड हार्टेड, बहुत ही अच्छा किंग है, मगर ही इज़ पनिश्ड। अब पनिश तो हो गया, अब सिचुएशन क्या है कि हैमलेट में जिस तरह आप देखते हैं कि हैमलेट इन द एंड प्रिंस हैमलेट डाइज ऑल्सो, प्रिंस हैमलेट भी मर जाता है एंड में। तो बैड के साथ जो अच्छे लोग हैं वो भी मरते हैं फिर। फ्रॉम हिज राइटिंग्स इंडीड अ सिस्टम ऑफ सोशल ड्यूटी मे बी सिलेक्टेड फॉर ही दैट थिंक्स रीजनेबली मस्ट थिंक मॉरली। वो कहता है एक बंदा अगर रीजनेबल तरीके से सोच सकता है तो वो मॉरली सोचना चाहिए उसे, यानी कि वो मॉरल ही सोचेगा। अगर वो रीजनेबल है एक बंदा तो वो मॉरल वैल्यूज को सामने रखते हुए बात करेगा। बट हिज प्रिसेप्ट्स एंड एक्सियम्स ड्रॉप कैजुअली फ्रॉम हिम, और उसके जो जनरल रूल्स हैं या उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं कि सच मानी जाती हैं, उसकी कई स्टेट्समैन
उसकी जो कई स्टेटमेंट्स हैं वो सच मानी जाती हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरह से अगर आप पढ़ते हैं किंग लियर तो वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या कि किंग लियर में बादशाह जब अपनी बेटियों को सल्तनत दे देता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसका जो फूल होता है वो उसे कहता है कि अब तू ऐसा कर कि दो एक एग लेके आ और मैं तुझे दो क्राउन दूंगा। तो कहता है कि किस तरह से, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो वो कहता है कि मैं उसका बीच का हिस्सा खा लूँगा, उसके दो हिस्से करूँगा, एक अपने सर पर रखूँगा और एक तेरे सर पर रखूँगा, बादशाह को कहता है। तो बादशाह कहता है व्हाई, एंड ही रिप्लाइज के यू बिकेम अ फूल लाइक मी व्हेन यू मेड योर डॉटर्स योर मदर्स, कि तू उस दिन फूल बन गया था जिस दिन तूने अपनी बेटियों को अपनी माएँ बना दिया था। अभी एक वाइज सेइंग्स है, इस तरह की वाइज सेइंग्स की बात वो कर रहा है। He makes no just distribution of good or evil, nor is always careful to show in the virtues a disapprobation of the wicked. तो कहता है कोई equal कोई just distribution नहीं करता है, यानी कि good are not always rewarded and bad are not always punished. क्योंकि King Lear जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे Cordelia is a very kind-hearted and very noble person, मगर उसके साथ क्या होता है कि she eventually dies in the end. तो उसका कोई कसूर नहीं होता है। तो ये चीज़ें वो बता रहा है कि गुड ईवल की वो कोई बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं करता है उनके दरमियान में। नॉर इज ऑलवेज केयरफुल टू शो इन इन द वर्चुअल्स अ डिसअप्रोबेशन ऑफ द विकेड, और वर्चुअल्स जो हैं वो डिसअप्रोबेशन, वो उसको यानी कि उनको कोई कहीं से भी उनकी जो है गिल्ट उनके अंदर या उनके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव नहीं फील करते हैं विकेड के बारे में। जो विकेड कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, जो उसके गुड कैरेक्टर्स हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे शो नहीं करते हैं कि जिसे आप कहते हैं कि डिसअप्रूवल शो नहीं करते हैं वो विकेट के लिए, उसके कैरेक्टर्स जो हैं जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं। ही कैरीज हिज पर्सन्स इनडिफरेंटली थ्रू राइट एंड रॉन्ग एंड एट द क्लोज डिसमिसेस देम विदाउट फर्दर केयर एंड लीव्स देयर एग्जांपल टू ऑपरेट बाय चांस। तो कहता है कि चांस पे छोड़ देता है ज़्यादातर चीज़ें, और जब एंड आने लगता है ड्रामा का तो वो बिल्कुल जो है परवाह नहीं करता है कि वो किस तरह से एंड कर रहा है उसका। एकदम से सारे कैरेक्टर्स को मार दिया, अच्छे भी मार दिए, बुरे भी मार दिए, और कैरेक्टर जो है वो ख़त्म हो गया ड्रामा, क्योंकि मॉरल पर्पज़ उसका ड्रामा में शो नहीं होता। दिस फॉल्ट द बारबेरिटी ऑफ हिज एज कैन नॉट एक्सटेन्यूएट, फॉर इट इज़ ऑलवेज द राइटर्स ड्यूटी टू मेक द वर्ल्ड बेटर एंड जस्ट, and justice is a virtue independent on time or place, independent of time or place. hona chahiye yahan pe to kehta hai ye fault jo hai ki jo uski age mein agar chal bhi rahi thi ye cheeze tab bhi wo kehta hai ki ek writer ki duty kya hoti hai ki wo duniya ko behtri ki taraf leke jaye, behtar banaye, na ki duniya ko kamtar banaye, yani ki duniya ko ab ek banda agar ye dekhega कि दुनिया के अंदर सब कुछ बुरा हो रहा है तो मैं भी बुरा कर सकता हूँ, तो वेल एंड गुड, फिर उसकी वजह से ये होगा कि दुनिया में अच्छाई नहीं आएगी। मगर जब आप इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि दुनिया में उस बंदे ने ये बुरा किया था और उसको सज़ा मिली, तो फिर एक बंदा जो है वो अपनी इसलाह की तरफ जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्लॉट्स आर ऑफन लूजली फॉर्म्ड दैट अ वेरी स्लाइट कंसिडरेशन मे इम्प्रूव देम एंड सो carelessly pursued that he seems not always fully to comprehend his own design. वो कहता है कि प्लॉट्स जो उसके हैं बहुत लूजली फॉर्म्ड हैं, यानी कि प्लॉट कंस्ट्रक्शन की बात अरिस्टोटल में कर चुके हैं, आप उसको जाकर दोबारा सुन लीजिए अगर आपको याद नहीं है, कि प्लॉट्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जिसमें कोई हिस्सा निकाल दो तो प्लॉट पर उसकी स्टोरी पर इफेक्ट होना चाहिए, वो अच्छा प्लॉट होगा। और अगर किसी ऐसे इंसिडेंट को, किसी ऐसी एपिसोड को, किसी ऐसे वाक्य को निकाल के कि जिससे पूरी की पूरी स्टोरी पर कोई इफेक्ट ना हो, तो वो अच्छा प्लॉट नहीं होता। तो वो कहता है कि उसके प्लॉट्स जो हैं वो बेहतर हो सकते थे, उसके अंदर से बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो इररेलेवेंट हैं, अननेसेसरी हैं, आप उनको काट सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट इन मैनी ऑफ हिज प्लेज द लैटर पार्ट इज एविडेंटली निग्लेक्टेड। अगला फॉल्ट क्या बता रहा है? पहला फॉल्ट उसने बताया कि उसके ड्रामाज में वर्च्यू और वाइस को कोई प्रॉपर उसको जो है ना वो नहीं डिफाइन किया जाता, और उसके ड्रामाज जो हैं उसमें वर्च्यू की फेवर नहीं की जाती, आपको नज़र नहीं आता है कि ऐसा हो रहा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, आप दोबारा इसको रिपीट कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, दोबारा सुन लीजिए। और दूसरी चीज़ उसने क्या बताई है? उसने ये बताई है कि थोड़ी सी उसकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन जो है स्लूज। थर्ड पार्ट क्या बता रहा है? कि उसके
इट मे बी ऑब्जर्व दैट इन मेनी ऑफ हिज प्लेज लेटर पार्ट इज एविडेंटली नेग्लेक्टेड, को जो पहला हिस्सा या दरमियान वाला हिस्सा तो बहुत अच्छा लगती है, एंडिंग जो है उसको बहुत नेग्लेक्ट किया उसने अपनी ट्रेजडीज में या अपने प्लेज में. When he found himself near the end of the work and in view of his reward, he shortened the labor to snatch the profit. वो कहता है कि जब वो बिल्कुल आखिर लिखने लगता था ड्रामा का, तो फिर उसको ये होता था कि अब जल्दी से जल्दी लिख के मैं ड्रामा थिएटर में दूँ और मुझे उसका प्रॉफिट मिले, मुझे उसके पैसे मिल जाएँ, मुझे पेमेंट मिल जाए. तो उसकी वजह से वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो अपने एंड्स को जो है अपने ड्रामाज के वो निगलेक्ट करता आया है. ही देयरफॉर रेमिट्स हिज एफर्ट्स वेयर ही शुड मोस्ट विगरसली एक्सर्ट देम एंड हिज कैटास्ट्रोफी इज इम्प्रॉपरली प्रोड्यूस्ड और इम्परफेक्टली रिप्रेजेंटेड. तो वो कहता है कि उसकी जो कैटास्ट्रोफी है बहुत ही अजीब सी है, कि वो बिल्कुल ऐसी जिस तरह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्ले की होनी चाहिए थी एंडिंग, वैसी उसकी एंडिंग नहीं है. अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर लें कि ये बातें तो बता रहा है, मगर इसका सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ये आउटडेटेड क्रिटिसिज्म है. मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्रिटिसिज्म अब बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है रही. इसकी वजह क्या है कि इसने एग्जाम्पल्स नहीं दी, इसने लॉजिक और रीज़न से बात नहीं की, इसने अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट नहीं किया. आपका सपोर्ट करना लाजिम है जब भी आप कोई आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं. तो आपको जब भी आप कोई आर्ग्यू कर रहे हैं, कोई बात क्लेम कर रहे हैं, कोई आप दावा कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो आपको रेफरेंस देने पड़ेंगे बाय फ्रॉम आइदर फ्रॉम द टेक्स्ट और फ्रॉम क्रिटिसिज्म, किसी राइटर के कमेंट्स देने पड़ेंगे. आपको कुछ ना कुछ बात को प्रूव करना पड़ेगा लॉजिक और रीज़न से. इस तरह आप बगैर लॉजिक और रीज़न के जस्ट क्लेम नहीं कर सकते जो कि ये कर रहा है. फिर उसके बाद बाकी छोड़ के इससे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट पे आ जाइए. In his comic scenes, he is seldom very successful when he engages his characters in reciprocation of smartness and contests of sarcasm. Their jests are commonly gross and their pleasantry licentious. Neither his gentlemen nor his ladies have much delicacy, nor are sufficiently distinguished from clowns by any appearance or of refined manners. अब यहाँ पे जो बात नेक्स्ट उसका जो चार्ज उस पर लगाता है या उसकी बात कर रहा है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो ये आ रही है कि वो कहता है कि उसके कॉमिक सीन्स जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे हैं. कॉमिक सीन्स में बहुत जो है वो कैरेक्टर्स को इस तरह से एंगेज करता है, उनके रिस्पॉन्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं. उनके जो कभी किसी के ऊपर तंज कर रहे हैं या कभी किसी के ऊपर कोई बात कर रहे हैं, तो इस तरह की होती है कि बहुत ही अजीबोगरीब सी और ग्रोस, बहुत ही जो है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त किस्म की है. समटाइम्स बहुत इट्स नॉट गुड, ठीक है. एंड देयर प्लेजेंटरी लाइसेंशियस, नाइदर हिज जेंटलमैन नॉर हिज लेडीज हैव मच डेलिकेसी. तो कहते हैं जेंटलमैन और लेडीज़ जो उसने दिखाई हैं तो इतने डेलिकेट नहीं है, यानी कि जो हाई क्लास के सोसाइटी के जो मैनर्स होते थे वो उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते. यानी कि एक खास किस्म का डेकोरम था जो कि कायम रखना पड़ता था एक हायर क्लास के लोगों को, तो वो हायर क्लास के लोग उसे समझ सकते थे. ये क्योंकि हायर क्लास से बिलोंग नहीं करता था, तो इसके जो वो जो बहुत ही रिफाइंड मैनर्स थे, तो हो सकता है कि वो उसकी बात कर रहा हो कि वो उसकी राइटिंग्स में आपको नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि बिकॉज एक आम आदमी की एक्सेस जो है उनके ड्राइंग रूम्स तक, जो बड़ी जो नोबल क्लास है या जो किंग्स वगैरह हैं, क्वींस वगैरह हैं, या जो जिसे आप कह लें कि बहुत ही जेंटलमैन हैं, लॉर्ड्स हैं, तो इस तरह के लोग जो हैं ड्यूक्स हैं, तो उनके साथ उसका कोई बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं रहा होगा. तो उसकी वजह से या उनके साथ इतना उठना बैठना नहीं है, तो जिसकी वजह से ही डज नॉट नो कि उनके मैनर्स क्या हैं. तो उसके मैनर्स में आपको क्रूड एक जो है बिहेवियर उसके जेंटलमैन और लेडीज़ के मैनर में आपको नज़र आता है. उसके बाद आप आगे आ जाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट में आ जाइए. In narration, he affects a disproportionate pomp of diction and wearisome train of circumlocution and tells the incident imperfectly in many words which might have been more plainly delivered in few. Ab next charge kya laga raha hai, wo kehta hai ki kham khame usne language aur apni language ki jo hai wo numaish ki hui hai, diction ki, diction language. लैंग्वेज की उसने नुमाइश की हुई है, खाम खाम में अल्फाज का इस्तेमाल किया है चीज़ों को, बातों को बढ़ाने के लिए, जहाँ पे कुछ अल्फाज जो है वो पूरा कर सकते थे उसको, उसने एग्जैक्टली इतना लंबा कर दिया है चीज़ों को कि इररेलेवेंट चीज़ें उसने डाली हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी.
Narration in dramatic poetry is naturally tedious, as it is unanimated and inactive and obstructs the progress of the action. It should therefore always be rapid and enlivened by frequent interruption. वो कहता है जब आप ड्रामेटिक पोइट्री में ड्रामा जब चल रहा होता है तो आप जाके कहानी एक कैरेक्टर आए और वो इतनी लंबी स्पीच शुरू कर दे कि वो स्पीच ख़त्म ही ना हो, जिस तरह हैमलेट की जो है सोलिलोक्वीज हैं तो वो बहुत लॉन्ग है, तो वो कहता है कि लोग जो है फिर बोर हो जाते हैं और वो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, तो वो कहता है कि उसको शॉर्ट रखने चाहिए थे, पर जो सेंटेंसेस थे या उसकी जो कन्वर्सेशन थी डायलॉग्स थे उनको शॉर्ट रखना चाहिए था ताकि लोग इंटरेस्ट लूज ना करें उसमें। और वो दूसरी चीज़ क्या कहता है कि वो कहता है एक्शन नहीं होता, फिर एक बंदा स्टोरी सुना रहा है ये हो रहा था ये हो रहा था यूं यूं यूं, तो वो अपने थॉट्स को बयान कर रहा है, तो वो कहता है थॉट्स जो हैं वो एक्शन के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं पिछले अरिस्टोटल में। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए, ये तकरीबन लाइन नंबर 440 के साथ है। हिज डिक्लेमेशंस और सेट स्पीचेस आर कॉमनली कोल्ड एंड वीक। वो कहता है जो स्पीचेस वो बहुत ही उम्दा तरीके वाली जो स्पीचेस, उम्दा स्पीचेस जो होती हैं या रेट्रिक जो है कि जहाँ पे बहुत ही कोई परसुएसिव स्पीच जो आप कोई देते हैं कि बंदा जो है बहुत परसुएट करने वाली स्पीच ऐसी देता है कि जिससे लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हों, उस तरह की स्पीचेस जो हैं तो वो कहता है कि बहुत ही कोल्ड हैं, बहुत ही वीक हैं, वो को बहुत ऐसी स्पीचेस नहीं हैं कि लोग वाकई कहें कि बहुत ही अच्छी स्पीच की है किसी ने। For his power was the power of nature. वो कहता है कि उसकी पावर जो थी पावर ऑफ नेचर थी, और when he endeavored like other tragic writers to catch opportunities of amplification and instead of inquiring what the occasion demanded to show how much his stories of knowledge could supply, he seldom escapes without the pity or resentment of his reader. तो वो कहता है कि वो readers की परवाह नहीं करता या जो ऑडियंस की परवाह नहीं करता, जैसे बाकी राइटर्स लिख रहे थे ट्रेजिक राइटर्स, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहता है और वो अपनी स्पीचेस को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जो है पेश नहीं कर सका अपने कैरेक्टर्स की स्पीचेस को। उसके बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट छोड़ दीजिए, उससे भी नेक्स्ट भी, फोर पैराग्राफ्स आप अगेन छोड़ दीजिए, उससे फिफ्थ पे आप दोबारा आगे आ जाएं, ये तकरीबन लाइन नंबर 480 से नेक्स्ट पैराग्राफ है। इट विल बी थॉट स्ट्रेंज दैट इन एनुमरेटिंग द डिफेक्ट्स ऑफ दिस राइटर आई हैव नॉट येट मेंशनड हिज नेग्लेक्ट ऑफ यूनिटीज, हिज वायलेशन ऑफ दोज लॉज व्हिच हैव बीन इंस्टीट्यूटेड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय द जॉइंट अथॉरिटी ऑफ पोएट्स एंड क्रिटिक्स एंड ऑफ क्रिटिक्स। वो कहता है कि सारे क्रिटिक्स और पोइट्स ने जो है यूनिटीज़ की बात की थी, जो नेक्स्ट डिफेक्ट है उसका वो ये है कि वो यूनिटीज़ की परवाह नहीं करता। अगर आपको यूनिटीज़ का समझ नहीं आई है तो आप जाकर सुन लें, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस भी बाद में लोगों ने कहा कि जी वो होनी चाहिए कि एक बंदा जो है यहाँ पे है तो अगले सेकंड में अमेरिका में नहीं हो सकता और फिर वापस नहीं आ सकता है, तो यूनिटी ऑफ प्लेस टाइम एंड एक्शन होनी चाहिए, तो ये उन्होंने लोगों ने कहा क्रिटिक्स ने, तो कहता है कि ये चीज़ जो है उसने बहुत वायलेट की है शेक्सपियर ने। नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ दें, उससे नेक्स्ट पे आ जाएं। हिज हिस्ट्रीज बीइंग नाइदर ट्रेजेडीज नॉर कॉमेडीज आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑफ देयर लॉज। वो कहता है कि ना तो उसकी हिस्ट्रीज जो है कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज हैं, तो वो ये लॉज जो हैं इनके इनको फुलफिल नहीं करती, इन जो उसके जो यूनिटीज जो हैं उनको फॉलो नहीं करता अपनी ट्रेजेडीज में, ड्रामेटिक यूनिटीज को। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। इन हिज अदर वर्क्स He has well enough preserved the unity of action. तो कहता है कि हिस्ट्री प्लेज के अलावा बाकी कामों में उसने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यूनिटी ऑफ एक्शन को प्रिजर्व किया है, उसको ऑर्गेनाइज किया है, मगर यहाँ पर जो है हिस्ट्री प्लेज में उसने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से नहीं डील कर सका इस चीज़ के साथ। तीन लाइन्स छोड़ के आगे देखें। Shakespeare is the poet of nature, but his plan has commonly what Aristotle requires, a beginning, middle, and an end. One event is concatenated. Wait for a second. Concatenated with another.
कि मिटा हुआ था थोड़ा सा. कॉन्कैटेनेटेड विद अनदर एंड द ओकेजन फॉलोज द कंक्लूजन फॉलोज बाय इजी कॉन्सिक्वेंस. तो कहता है कि शेक्सपियर जो है पोइट ऑफ नेचर है और उसके जो प्लान्स हैं वो एरिस्टोटल ने जो कहा था कि बिगनिंग मिडिल और एंड की बात करता है. तो वो कहता है कि उसके प्लान्स जो हैं वो एक सीरीज में उस तरह से चलते हैं एंड कंक्लूजन फॉलोज बाय इजी कॉन्सिक्वेंस और फिर इजीली कंक्लूजन भी आ जाता है. यानी कि वो एक सीक्वेंस में चलता है अपनी पोइट्री के अंदर. जो वो ट्रेजेडी लिख रहा है खासतौर पर तो उसमें जो तीन बातें थी कि बिगनिंग मिडिल एंड होना चाहिए तो वो वैसे ही कर रहा है. नेक्स्ट जो है पैराग्राफ छोड़ते हैं उससे नेक्स्ट पे आ जाइए. द नेसेसिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द यूनिटीज ऑफ टाइम एंड प्लेस अराइजेस फ्रॉम द सपोज्ड नेसेसिटी ऑफ मेकिंग द ड्रामा क्रेडिबल. तो कहता है कि ड्रामा जो है उसको यूनिटीज के अंदर जो है टाइम और प्लेस की यूनिटी जब आती है तो इसलिए आती है कि ड्रामा जो है उसको आप क्रेडिबल बनाएं, उसको काबिल यकीन बनाएं. किन वजह से? यूनिटीज ऑफ टाइम एंड प्लेस. टाइम क्या होता है कि आपने एक सिंगल सर्किट ऑफ द सन में उसने कहा था एरिस्टोटल ने कंप्लीट करना है. और प्लेस क्या है कि वो कहता है कि आपने एक जगह पे होना चाहिए. ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ जगहों पे उसे लेके जा रहे हैं और फिर जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो इतनी तेज़ी से, मसलन एक बंदा घोड़े पे सफ़र करता है और वो अमेरिका जो है वो एक दिन में पहुँच के वापस नहीं आ सकता. तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी जो है वो ये नहीं होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ना हो ड्रामा के अंदर, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए. द क्रिटिक्स होल्ड्स इट इम्पॉसिबल दैट एन एक्शन ऑफ मंथ्स और ईयर्स कैन बी पॉसिबली बिलीव्ड टू पास इन 3 आवर्स. वो कहता है क्रिटिक्स एक ये बात करते हैं कि 3 घंटों के अंदर कई सालों के ऊपर महीत या कई महीनों के ऊपर जो महीत है जो लंबा सफ़र वो आप जो है वो 3 घंटों में पोर्ट्रे नहीं कर सकते. उसकी ज़िंदगी का सफ़र हो या वैसे हो जो भी हो. Or that the spectator can suppose himself to sit in the theater with ambassadors while ambassadors go and return between distant kings, while armies are levied and towns besieged, while an exiled wanderer wanders and returns, or till he whom they saw courting his mistress shall lament the untimely fall of his son. वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्बेसडर्स जो हैं वो जा रहे हैं किसी और मुल्क जा रहे हैं, किंग्स के पास जा रहे हैं और फिर वापस भी आ रहे हैं, और आर्मीज़ जो हैं उन्होंने टाउन्स जो हैं उन्होंने वो डिस्ट्रॉय कर दी हैं, ये ख़त्म कर दी हैं. वाइल एंड एक्साइल वॉन्डर्स रिटर्न्स और टिल, और इसी तरह से वो कहता है कि एक बंदा जिसको जिला वतन कर दिया गया था वो कई सालों के बाद अपने मुल्क में वापस आ गया और प्ले जो है वो चल रहा है. और इसी तरह से वो कहता है कि ये भी नहीं होना चाहिए कि एक बंदा जो है उसकी भी शादी दिखाई जा रही थी और अगले सीन में जो है वो अपने जवान बेटे की मौत के ऊपर जो है वो दुख कर रहा हो. तो कहता है कि इस तरह कहने कि टाइम का जो यूनिटी ऑफ टाइम है आपने उसकी कंसिडरेशन आपने उसको यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन, यू कैन नॉट जस्ट गो अवे फ्रॉम इट. इन अदर वर्ड्स कि आप उससे दूर नहीं जा सकते. द माइंड रिवॉल्व्स फ्रॉम एविडेंट फॉल्सहुड एंड फिक्शन लूजेस इट्स फोर्स व्हेन इट डिपार्ट्स फ्रॉम द रिजेम्बलेंस ऑफ रियलिटी. तो वो कहता है माइंड जो है उससे बहुत ही इतनी ज़्यादा जहाँ पे झूठ होगा तो माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. और दूसरी चीज़ क्या है कि फिक्शन जो है, जो कि आपने कोई भी फिक्शन लिखी है, कोई पीस ऑफ राइटिंग है, तो वो अपना जो रियलिटी के साथ रिजेम्बलेंस थी उसकी लाइफ लाइक नहीं लगेगी. वो कहेगा ये कि लोग कहेंगे कि ये क्या है, फजूल बात है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए. फ्रॉम द नैरो लिमिटेशन ऑफ टाइम नेसेसरली राइजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लेस. The spectator who knows that he saw the first act at Alexandria cannot suppose that he sees the next at Rome, at a distance to which nor the dragons of Medea could in short time have transported him. वो कहता है कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है एक सीन जो है यूनिटी ऑफ प्लेस की बात कर रहा है. यूनिटी ऑफ प्लेस में क्या है कि एक सीन आप दिखा रहे हैं अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया में और दूसरा सीन जो है आप दिखा रहे हैं रोम के अंदर. और जहाँ पे वो कहता है कि ड्रैगन्स जो मेडेया थी, मेडेया एक वॉज अ विच, तो कहता है उसके जो ड्रैगन्स थे वो भी आपको इतनी जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं और आप दिखा रहे हैं. तो उसमें ये चीज़ें अगर आप इतनी इनक्रेडिबिलिटी करेंगे तो ये एरिस्टोटल भी बात कर रहा था कि क्रेडिबल होनी चाहिए चीज़ें, इनक्रेडिबल नहीं होनी चाहिए, आपको यकीन आना चाहिए उन चीज़ों पर. तो कहता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए. ही न्यूज़ विद सर्टेनिटी that he has not changed his place
एंड ही नोज दैट प्लेस कैन नॉट चेंज इटसेल्फ. वो कहता है क्या पता होता है कि आपने प्लेस चेंज नहीं कर दिया हुआ है, वही प्लेस है जिस पे पहला ड्रामा जो है पहला सीन दिखाया जा रहा था, क्योंकि आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं किसी दूसरी जगह. और दूसरी चीज़ क्या है कि प्लेस खुद भी चेंज नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली. दैट वॉट वॉज अ हाउस कैन नॉट बिकम अ प्लेन, दैट वॉट वॉज थीब्स कैन नॉट बी प्रेसपोलिस. तो कहता है कि जो घर था वो एकदम से ये नहीं हो सकता कि एक सीन में आप दिखाएं कि यहाँ पे घर था और अगले सीन में आप दिखाएं कि वहाँ पे मैदान बिल्कुल खाली मैदान है, चटिल मैदान है, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं. तो ये चीज़ भी वो कहता है कि एक्सेप्टेबल नहीं है. उसके बाद जो है आप फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट भी छोड़ दीजिए, दो पैराग्राफ छोड़ के आगे आ जाइए थर्ड पैराग्राफ जो है उसके बाद, ये लाइन नंबर 570 के इक्वल है ऑलमोस्ट. The truth is that the spectators are always in their senses and know from the first act to the last that the stage is only a stage and that the players are only players. वो कहता है कि character जो वहाँ पे audience हैं जो देख रहे होते हैं play, उनको पता होता है कि ये stage एक stage है और players जो हैं वो players हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं हैं. Human beings वो real life नहीं देख रहे हैं वो. They come to hear a certain number of lines recited with just gesture and elegant modulation. The lines relate to some action and an action must be in some place, but the different actions that complete the story may be in places very remote from each other. तो यहाँ पे कहता है कि जो प्ले देखने के लिए लोग आते हैं उनको पता होता है, वो यहाँ पे लैंग्वेज की जो खूबसूरती है उसको भी इंजॉय करने आते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से जो वर्सेस उनको किस तरह से पढ़ा जा रहा है और जस्टर जो उनके जो बॉडी लैंग्वेज है या उनकी आइज़ की या फेस की जो मूवमेंट्स हैं वो सारी किस तरह से हैं, वो रिप्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं एक ट्रेजेडी को या कॉमेडी को या व्हाटएवर. तो कहता है कि दीज लाइन्स रिलेट टू सम एक्शन एंड एन एक्शन मस्ट बी इन सम प्लेस. वो कहता है कि ये अब लाइन्स ज़ाहिर है किसी एक्शन के साथ ही मुंसलिक होंगी और एक्शन किसी प्लेस पे होना चाहिए. बट द डिफरेंट एक्शंस दैट कंप्लीट स्टोरी मे बी इन प्लेसेस वेरी रिमोट फ्रॉम ईच अदर. तो कहता है कि जो एक्शंस हैं वो हो सकता है कि बहुत दूर भी हों एक दूसरे से. एंड वेयर इज The absurdity of allowing the space to represent a first Athens and then Sicily, which was always known to be neither Sicily nor Athens, but a modern theatre. वो कहता है कि अब यहाँ पे है कि आप एक ग्रीस में दिखा रहे हैं, दूसरा सिसली में दिखा रहे हैं सीन. तो वो कहता है कि वहाँ पे फिर लोगों को पता होता है कि ये जो है थिएटर ही है, इट इज़ नथिंग एल्स. उसके बाद आप आ जाइए लाइन नंबर्स जो आ रही हैं तकरीबन 610, ये तकरीबन उससे जो है वो वाला पैराग्राफ जो है उसे नेक्स्ट पैराग्राफ आप छोड़ दें, उससे नेक्स्ट भी छोड़ दें, दो पैराग्राफ्स छोड़ के आप आगे देखें जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है. इमिटेशंस प्रोड्यूस पेन और प्लेजर. इमिटेशंस जो होती हैं वो या तो पेन प्रोड्यूस करती हैं या प्लेजर प्रोड्यूस करती हैं. नॉट बिकॉज दे आर मिस्टेकन फॉर रियलिटीज बट बिकॉज दे ब्रिंग रियलिटीज टू माइंड. वो कहता है इमिटेशंस, अब इमिटेशन की डेफिनेशन जो है अरिस्टोटल की मैं कम्प्लीटली डिफाइन कर चुका हूँ, आप उसको जाके देख लीजिएगा. तो कहते हैं इनका पर्पज़ क्या होता है, प्लेजर हासिल करना, कि लोगों को प्लेजर देना इमिटेट करके. आप जैसे म्यूज़िक इमिटेट करते हैं, आप लैंग्वेज को इमिटेट करते हैं, आप पोइट्री लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी पूरी डेफिनेशन मैं दे चुका हूँ, आप उसको जाके दोबारा सुन लीजिए क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट होगा फिर. तो कहते हैं कि इमिटेशंस का मतलब ये नहीं होता कि हम उन ड्रामाज को समझने को बिल्कुल रियल हैं, तो ऐसा नहीं होता. बट बिकॉज दे ब्रिंग रियालिटीज़ टू माइंड, तो आप कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स के साथ अपने आप को एसोशिएट करते हैं. मसलन किसी का अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी को धोखा दिया किसी ने, तो आप कहते हैं कि आपको भी अगर किसी ने धोखा दिया था किसी टाइम में, तो आप फिर उस चीज़ को इमेजिन करते हैं और रिलेट करते हैं. जिस तरह से जूलियस सीज़र में जो है जिस पर वो सबसे ज़्यादा एतमाद करता है, तो वो भी उसके मर्डरर्स में शामिल होता है. तो वो जब मरने लगता है तो वो बाकी किसी को कुछ नहीं कहता है, जब वो चाकू मारते हैं तो वो उसको जो है वो डैगर से मारते हैं, तो वो उसको जब कत्ल करते हैं तो वो उसको सिर्फ कहता है कि एट टू ब्रूटस, कि तू भी, यानी कि यू टू ब्रूटस, तू भी शामिल है इसमें. क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ब्रूटस जो है वो उसके जो है उसको कत्ल करने वालों में वो भी शामिल होगा, बिकॉज ही ट्रस्ट हिम अलोन. तो लोग जो है एसोशिएट करते हैं अपने आप को. व्हेन द इमेजिनेशन इज रिक्रिएटेड बाय अ पेंटेड लैंडस्केप, द ट्रीज आर नॉट सपोज्ड कैपेबल टू गिव अस शेड और द फाउंटेन्स कूलनेस, बट वी कंसीडर
how we should be pleased with such fountains playing beside us and such woods waving over us. वो कहता है अगर आप इसी तरह से इमिटेशन जो है, क्योंकि एरिस्टोटल ने बताया था कि पेंटिंग जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन, पेंटिंग स्केचिंग, तो कहते हैं अगर आप एक पेंटिंग बनाते हैं एक जंगल की या कोई भी फाउंटेंस की या किसी चीज़ की, आप शहरों की बना दें या कुछ भी बना दें, तो आपको वहाँ पे पानी भी नहीं मिल रहा, यानी कि आपको कोई वहाँ पे दरख्तों की साया नहीं मिल रहा है उस पेंटिंग से, ना ही आपको जो है वो कोई किसी किस्म का जो है वो कहता है कि आप शहरों के करीब बैठ के या चश्मों के या फाउंटेन, इवन जो है आपके फवारे अगर लगे हुए हैं तो उनके करीब बैठ के आपको ठंडक का एहसास नहीं होता, ना दरख्त वहाँ पे साया दे रहे होते हैं उस पेंटिंग के अंदर, मगर आप जो है जब उस पेंटिंग को देखते हैं तो आप प्रेज किस चीज़ को करते हैं कि आप उस ब्यूटी के जो इमेज है, जो खूबसूरती दिखाई गई है वहाँ पे, आप इमेजिन करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे होता तो किस तरह का फील करता मैं, तो उस वजह से वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए. अ प्ले रेड इफेक्ट्स द माइंड लाइक अ प्ले एक्टेड. इट इज़ देयरफॉर एविडेंट that the action is not supposed to be real, and it follows that between the acts a longer or shorter time may be allowed to pass, and that no more account of space or duration is to be taken by the auditor of a drama than by the reader of a narrative, because who may pass in an hour the life of a hero or the revolutions of an empire. तो कहता है एक प्ले जो आप एक्ट करते हैं, प्ले रेड इफेक्ट्स द माइंड लाइक अ प्ले एक्टेड. वो कहता है एक प्ले जो पढ़ा जाए सिर्फ, जो कि एक बंदा आपको सुना रहा हो या एक बंदा पढ़ रहा हो खुद भी, तो वो उसी तरह से इफेक्ट जो है करता है माइंड को जिस तरह से उसको आपने परफॉर्म किया हो. इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट द एक्शन इज़ नॉट सपोज्ड टू बी रियल. तो कहता है ये तो कन्फर्म होता है कि एक्शन जो है वो रियल नहीं है, उसमें वो सारा एक डिपिक्शन है ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट रियल. And it follows that between the acts, a longer or shorter time may be allowed to pass. तो कहता है कि acts के दरमियान, अब acts का difference क्या होता है? हर play जो होता है वो, ये अक्सर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है. Act का मतलब और scene का मतलब, जब मैं अक्सर students से पूछता हूँ कि acts और scenes के दरमियान differences क्या हैं, तो they are unable to tell me exactly. तो वो कहते, अब उसमें क्या होता है कि सीन्स जो होती हैं वो एक एक्ट में 5-7 सीन्स हैं, 2 सीन्स हैं, 3 सीन्स हैं, जितने भी उसने डाले राइटर ने, और एक्ट जो होते हैं वो भी जितने भी एक्ट एक बंदा डालना चाहे, 2 एक्ट्स डाल दिए, 5 एक्ट्स डाल दिए, तो शेक्सपियर के ड्रामाज में आपको यूजली 5 एक्ट्स मिलते हैं, मॉडर्न ड्रामाज में आपको 2 भी मिल सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है. एक्ट में क्या होता है, सीन्स एक्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइम्स में होता है. मसलन ये एक सीन चल रहा है कि मैं आप लोगों के साथ जो है कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में हैं हम, तो हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक सीन है एक एक्ट का, फर्स्ट एक्ट है. फॉर एग्जांपल सीन स्टार्ट हो रहा है कि क्लासरूम है, वहाँ पे बच्चे जो हैं टीचर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं. सेकेंड सीन जो आ रहा है वो आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल हेड ऑफिस का, कि वहाँ पे जो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनकी डिपिक्शन जो है वो, या उनकी जो डायलॉग्स हैं उनको वहाँ पे लिखा जा रहा है. थर्ड सीन हो सकता है कि फिर वही कंटिन्यू हो जाए जहाँ से हमारी डिस्कशन स्टॉप हुई थी, वहीं से आ जाए. तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से चल रही हैं, और ये यूजुअली एक ही टाइम पे हो रहा होता है या बहुत कम टाइम के गैप से हो रहा होता है. मसलन कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो दूसरे कमरे में या दूसरे इलाके में या दूसरे किसी जगह पे जो दूसरा बंदा बात कर रहा है वो इसी टाइम पे हो रही है, ये एक एक्ट के अंदर आ रही हैं ये चीज़ें. और दूसरा एक्ट जब आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम का ड्यूरेशन होगा, कि कल हो सकता है, एक महीने बाद हो सकता है, 15 दिन बाद हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकता है कि दूसरा एक्ट दिखाया जाए, कि वो एक्ट जो है वो डिफरेंट टाइम को डिपेक्ट करेगा. बिटवीन द एक्ट्स अ लॉन्गर और शॉर्टर टाइम मे बी अलाउड टू पास, एंड दैट नो मोर अकाउंट ऑफ स्पेस और ड्यूरेशन इज टू बी टेकन बाय द ऑडिटर ऑफ अ ड्रामा देन बाय द रीडर ऑफ अ नैरेटिव. तो कहता है कि उतना ही टाइम जो है आप अकाउंट ऑफ स्पेस ड्यूरेशन जो है वो जितना ड्रामा को देख रहा है कोई उसको भी उतनी ही मिलेगी, और जो कि पढ़ रहा है उसके साथ भी वही गैप होगा कि आपको एक सीन के बाद दूसरा सीन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. बिफोर हुम मे पास इन एन आवर द लाइफ ऑफ अ हीरो और द रेवोल्यूशंस ऑफ एन एम्पायर. तो एक हीरो की लाइफ जो है वो 1 घंटे में या 3 घंटे, जो भी जितना भी प्ले आपने डिपेक्ट किया है या एक दिन में आपने कंप्लीट किया उसको, तो हीरो की सारी लाइफ जो है उसकी डिपिक्शन जो है आपके सामने उस एक टाइम में मौजूद होगी. तो आई होप दैट इज इनफ फॉर टुडे.
और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है मैं इसमें मज़ीद जो है फिर बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं सारा नहीं इसको कंप्लीट करूँगा, इसके अंदर से कुछ चीज़ें मैं छुड़वा भी दूँगा क्योंकि बिकॉज इट बी टू लॉन्ग फॉर यू एंड बोरिंग, तो जितना ज़रूरी था तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इसको भी छोड़ दें तो इतना भी काफ़ी है, इससे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। बाकी आप जो है असाइनमेंट्स को अगर देख लेंगे तो वहाँ पर भी आपको समझ आ जाएगी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन वी विल एंड इट्स। Whether Shakespeare knew the unities and rejected them by design or deviated from them by happy ignorance, it is, I think, impossible to decide and useless to inquire. वो कहते हैं क्या unities के बारे में Shakespeare को पता था और उसने जानबूझ के unities को violate किया, या उसकी उसको पता ही नहीं था और वो ignorant था उस sense में उसने unities को violate किया। वो कहता है ये impossible है decide करना और यूज़लेस है इंक्वायर करना कि इसको आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस चक्रों में पढ़ें कि आप यूनिटीज़ को फॉलो कर रहा था या नहीं कर रहा था। वी मे रीजनेबली सपोज दैट व्हेन ही रोज टू नोटिस ही डिड नॉट वांट द काउंसिल्स एंड एडमिशंस ऑफ स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स एंड दैट ही एट लास्ट डेलिबरेटली प्रसिस्टेड इन प्रैक्टिस व्हिच ही माइट हैव बिगन बाय चांस। वो कहता है कि उसने अपनी प्रैक्टिस को कायम रखा और चाहे वो चांस के ज़रिए आई थी कि उसको ऑटोमेटिकली उसने जो है इन चीज़ों को वायलेट कर दिया या जो भी कर दिया, उसे परवाह नहीं थी किसी की और उसने उस तरह से लिखा जिस तरह से वो लिखना चाहता था। तो बहरहाल इसमें जो है ये क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपने अच्छा क्रिटिसिज्म पढ़ना है तो मुझे व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड तो आई वाज टोल्ड बाय माय प्रोफेसर है कि पुराने जो क्रिटिक्स हैं उनको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप रीसेंट क्रिटिक्स को इस्तेमाल करेंगे। 20-30 साल मैक्सिमम 30 ईयर्स तक जो क्रिटिक्स पुराने लिख चुके हैं आप उनकी राइटिंग्स को पढ़ें, या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिक आ गया है जिस तरह एसी ब्रेडली है, तो उसने शेक्सपियरियन ट्रेजडीज जब लिखी तो उस पर जो है आप जब पढ़ते हैं तो शेक्सपियरियन ट्रेजडी में आप जो है वो उसने जो बातें की हैं आप उनका हवाला दे सकते हैं, मगर वो 1906 एज फार एज रिमेंबर या 7 में उसने लिखी थी, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं कि पब्लिश कब हुई थी वो, तो 1967 में एज फार एज रिमेंबर इट वॉज। तो ये जो एसी ब्रेडली था ही वॉज अ प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एज वेल एज इन लिवरपूल यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, तो उसने बहुत अच्छी जो है वो एक ट्रेजडी की बुक लिखी थी, वो आप पढ़ सकते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजडी। मगर बाकी जो किताबें हैं जिस तरह से जो मसलन 1960 में अगर शेक्सपियर पे लिखी गई, 1950 में लिखी गई, तो वो कहता है कि अब वो भी जो माय सुपरवाइजर डॉक्टर जॉन शैड ही टोल्ड मी नॉट टू कंसल्ट दोज राइटर्स हु आर वेल ओल्ड, तो आप इतने ओल्ड राइटर्स को, इवन 1980s के जो राइटर्स थे वो कहता था कि आप उनको भी कंसल्ट नहीं करें, आप मॉडर्न राइटर्स को कंसल्ट करेंगे व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू क्रिटिसिज्म अबाउट एनीथिंग। तो ये पढ़ाया जा रहा है, मैंने कई मरतबा कहा कि इसकी जगह एसी ब्रेडली लगा लें बट दे डू नॉट अलाउ इट, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चलो एटलीस्ट कुछ ना कुछ नॉलेज आ जाए अबाउट दिस राइटर, बट ये आउटडेटेड राइटर है, इसकी बहुत सारी वीकनेसेस हैं क्योंकि इसने कहीं भी प्रूव नहीं किया अपने आर्ग्यूमेंट्स, जो बात करता है उसका कोई रेफरेंस देना चाहिए कई जगहों पर रेफरेंस ही नहीं देता है, तो उसकी वजह से इसका क्रिटिसिज्म जो है इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए तो ठीक है, या पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, या आप कभी किसी से बात कर रहे हो तो आप कह सकते हैं कि मैंने सैमुअल जॉनसन को पढ़ा हुआ है और उसके पॉइंट्स ही हैं, मगर इससे ज़्यादा इसका अभी पर्पज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। अब बहुत मॉडर्न क्रिटिक्स आ गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, आप उनकी तरफ जाएंगे अगर आपने कोई वाकई रिसर्च करनी है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट जो है फिर इंशाल्लाह मैं सिंबलिज्म पे अपना लेक्चर अपलोड करूँगा और वर्ड्सवर्थ जो है उसके ऊपर, वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी जो है वो लेक्चर मज़ीद बना दूंगा। और साथ ही ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप कमेंट्स जो है इसको ज़रूर से पढ़ ज़रूर लिया करें कि आपको इंटरव्यूज़ में इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर आपको जवाब नहीं आएगा तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन होगी। और दूसरी चीज़ ये कि कमेंट सेक्शन में आप बिना झिझक मुझसे पूछ लिया करें, और इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, इस चैनल को भी शेयर करें क्योंकि इसके फंड्स अगर आएंगे तो हम गरीब लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो सब लोगों का उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा लोगों की मदद के लिए, तो आप लोग इसमें मेरा साथ दीजिए। और अगर कोई लोग अपनी प्रोनंसिएशन और एक्सेंट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो मैंने एक और चैनल बनाया, उस पर मैं पॉलो कोइलो का जो है नावल, पॉलो कोइलो भी कहते हैं उसको, तो उसका नावल जो है दी अल्केमिस्ट, उसको मैं रीड आउट करके उस पर डाल रहा हूँ इन ब्रिटिश एक्सेंट, तो अगर आप वो पढ़ना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ दें, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा एंड यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश एक्सेंट। तो आप एक नावल खरीद दें और साथ ही उसको पढ़ना शुरू कर दें साथ साथ, तो आपका एक्सेंट बहुत इंप्रूव हो जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।